ओ तेरा दरबार हमने और सजाया है माँ, तुमको बुलाया है माँ, ये बता दो बता दो ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं भैया, कमी तो नहीं I got it.
से दरबार भाई एक वचन और उसके बाद फिर महाशिवाली के हाथ में कि एक दिन कथित है कि महादेव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पार्वती महादेव से कह रहे थे, स्वामी संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबका अपना अपना ठोर ठिकाना है, लेकिन तुम्हारा कोई ठोर ठिकाना नहीं। यहाँ से वहां, वहां से वहां भ्रमण करते रहते हो, तो ताना मारते हुए पार्वती और महादेव से कहती है, और क्या कहती है, तीन लोग के नाथ पिया और तेरी होती देखी बुरी गति, तीन लोग के नाथ पिया और तेरी होती देखी बुरी गति, और तेरा थोर ठिकाना कहीं नहीं हूँ हंस के बोली पार्वती, तेरा थोर ठिकाना कहीं नहीं हूँ हंस के बोली और क्या कहने लगी, हे जी भूमंडल में नाम तेरा कैसे भगवान कहाता जी, बैल ला दिया साथ लिए तू घर घर अलख जगाता जी, तेरे अमर लबेटा तन पे नहीं तू मांग मांग के खाता जी, रहने तक पूछान नहीं तू जरा नहीं करवाता जी, रहने तक पूछान नहीं जरा नहीं करवाता जी, तेरे बोली मारी पार्वती ने बोली तो महादेव ने अपनी माया फैलाई और अपनी माया से एक किले का निर्माण किया और किसान किया। हे जी इतनी सुन के महादेव ने ऐसा खेल रचाया जी, अजब खेल रच दिया प्रभु ने माया महल बनाया जी, हे जिलक चौरासी खंभ लगाए 1400 चौखट लाया जी, महल बनाए प्यार किया जब लंका नाम धराया जी, हे जी महल बना बना के तार किया फिर
सोने की लंका बना करके तैयार कर। अच्छा सोने की लंका बनकर तैयार हो गई तो पार्वती महादेव से फिर कहने लगी, और क्या करी भला, पिया महल बनाया मेरे लिए जी। सात महात्मा ग्यारह कन्या उनका आदर मान कर पंडित को तुम बुलवा करके बैठ महल में दान करो। हे जी जब आराम करे महलों में कह रही तेरी सील सती और ठिकाना महल में अंदर हवन यज्ञ कराओ, कुछ महात्मा और कुछ कन्या जमाओ, उसके बाद में जब महलों में आराम करेंगे। तब पार्वती की बात को सुनकर महादेव ने वैसा ही किया और किस प्रकार महायज्ञ हुआ। इतनी सुनकर भोले भाई, इतनी सुनकर महादेव ने ऐसा चंदा सूरज लाल पवन और पहमाता को लाया जी, विश्वासुर का बेटा रावण बिना बुलाए आया जी। हे जी रावण जाने ब्रह्म ज्ञान को, रावण जाने ब्रह्म ज्ञान को, काटे सबकी मूड मंगी और ठिकाना कहीं नहीं हंस के बोली पार्वती तेरा और ठिकाना कहीं नहीं हंस के बोली पार्वती। कहने लगी कहीं महल के अंदर हवन यज्ञ कराओ, तो महादेव ने जितने भी 33 करोड़ देवी देवता थे सभी को उस यज्ञ में बुलाया, सभी को निमंत्रण दिया गया। तो जितने भी देवी देवता थे सभी लंका के अंदर आए और वहाँ हवन यज्ञ हुआ। और जब वहाँ हवन यज्ञ होता है तो उसके बाद क्या होता है, यदि हवन यज्ञ हुआ महल के अंदर खुश हो गए सब नारी, सोने की लंका मन में बस गई आग था कहूं सारी। हे जी तीन वचन भरवा रावण ने लंका मान लई सारी, महादेव कहे पार्वती से निकल महल से हो रानी। यदि महादेव तो निकल चले
लंका के अंदर यज्ञ हुआ तो रावण ने तीन वचन भरवा करके सारी लंका को जैसी भी है जो भी प्राणी इसके अंदर है सभी को ऐसा कैसा मुझे छोड़ दो। इस तरह से लंका को मांग लिया। बोले सच्चे दरबार की।